नमस्कार दोस्तों, एडमिट कार्ड RO 2021 का आ गया है। आयोग की तरफ से उसको जारी कर दिया गया है। आप उसको आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक भी मैं वहां पे दे रहा हूं, तो आपके सामने ये पैनल खुल के आएगा। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ इसके बाद में ये जो वेरिफिकेशन कोड है, जो कैप्चा जिसको बोलते हैं आप, इसको डालेंगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेंटर कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, ये आप लोग बताते हैं तभी हमको पता चलता है। तो आप लोग कमेंट करके अगर बता सके तो अच्छा रहेगा, जिससे आइडिया लग सके कि सेंटर लड़कियों का होम गया है या कैसे कैसे क्या पैटर्न रहा है इनका। तो डाउनलोड करिए। और पढ़ाई में अब मान लीजिए कि उल्टी गिनती रियल में स्टार्ट हो जाती है जब एडमिट कार्ड आता है, तो आप अब पढ़ना चालू कर दीजिए इस लिहाज से कि अब एग्जाम होना ही है। क्योंकि कई बार र्यूमर ऐसे फैलते हैं, तो ऐसा खैर टलना वलना नहीं था, लेकिन र्यूमर लोग फैलाते रहते हैं और एक लोगों ने कुछ कहा तो निगेटिव न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है। पढ़ाई में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ओल्ड ईयर पूछे गए प्रश्नों की, साथ में कुछ नए प्रश्नों की, करंट अफेयर को कवर करिए। हिंदी में जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर एक टॉपिक में जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 9 से ऊपर हर टॉपिक में आप करने की कोशिश करिए, 9 तो कम से कम सही करिए, तब आपके 54 क्वेश्चन पहुंच पाएंगे और हिंदी ही आपको पास कराएगा। तो उसमें आप स्कोर किसी भी कंडीशन में 52-53-54 से कम ना होने दीजिएगा। टारगेट रहना चाहिए कम से कम 55 तक, अगर आप रख सके टारगेट। करने का मतलब यह है कि आप इतनी मेहनत करें कि 55 तक आप टच कर जाए, तो इस तरीके से टारगेट रख के आप चलें तो आप निश्चित तौर पर यह परीक्षा पास करेंगे। थैंक यू सो मच। कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों के सेंटर कहाँ के हैं आप और कहाँ गया है।